पता लग गया होगा, चार्ज दो तरह के होते हैं, तीन तरह के, तीन बोल रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल, दो तरह के चार्ज होते हैं। जबकि चार्जेस के अंदर प्यार भी रहता है और दुश्मनी भी रहती है, वहीं ग्रेविटेशन के अंदर क्या होगा, सिर्फ प्यार होगा। सिर्फ क्या होगा, तो अपने को सिर्फ किसकी बात करनी है, प्यार की, है ना। बाकी एनएलएम के अंदर तो वील जस्ट टॉक अबाउट द फोर्सेस। अब फोर्सेस कितनी तरह की होती हैं, तीन चार तरह की फोर्सेस होती हैं दुनिया में, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस, ये सब चीजें जो है मतलब ग्यारहवीं के अंदर जब शुरू करते हैं ना उस समय बताया जाता है। अब आप लोग क्योंकि बारहवीं में है तो आपको ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो मैं थ्योरी में लिखवाऊंगा सब। देर आर फोर टाइप्स ऑफ फोर्सेज, नेमली ये लिखना है तेरे को, है ना। तो ये सारी तरह की फोर्सेज होती है, इसके अंदर हम अभी जो पढ़ेंगे दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कैसी है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल। जैसे आप लोग एफबीडी बना बना के जान ही चुके हैं कि एफबीडी में आप लोग एमजी लगाते थे, याद है। तो दैट एमजी इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो एमजी क्या होती थी, ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम लोग उन सब चीजों को पढ़ेंगे, वो कहां से आई, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो सबसे पहले जो हमने क्वांटिटी डिफाइन की उसका क्या नाम था बेटा, फोर्स। और फोर्स के बारे में अगर बात की जाए तो फोर्स होती क्या, इट इज अ पुश और अ पुल, जानते हो ना। ये बचपन वाली डेफिनेशन आगे तक वैलिड रहती है, इट इज आइदर अ पुश और अ पुल। ये जो पुश पुल होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। किसी ना किसी को धक्का मारा या किसी को ऐसे पास खींचा, ठीक। क्या कॉन्टेक्ट जरूरी है, कॉन्टेक्ट जरूरी है फोर्स में। दो चार्ज ऐसे रखे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पास आएंगे ना, रस्सी से जोड़ोगे तभी पास आएंगे क्या, अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना। दो मास रखे हैं, एक मैं हूं एक दरवाजा है, दरवाजा मान लो सूरज जितना भारी है और मैं मान लो मेरी ही जितना हूं, तो मैं उसके पास नहीं खींचा चला जाऊंगा, कॉन्टेक्ट तो रहेगा हमारे में, नहीं हो रहा ना, अभी टकरा के कॉन्टेक्ट होगा यार। तो इस टच नेसेसरी फॉर दिस पुश या पुल वाली फोर्सेस की जो हम बात कर रहे हैं, क्या इसके लिए टच हमेशा जरूरी होता है, टच होता है तो भी होती है, टच नहीं होता तो भी एग्जिस्ट करती है, तो वो स्पेशल केसेस है अलग अलग तरह के, ठीक। तो न्यूटन के बारे में जब हम बात करते हैं तो न्यूटन साहब के ऊपर ही फोर्स की जो यूनिट थी उसका नाम पड़ा, सभी लोग जानते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, बोलो न्यूटन। ये ऐसा यूनिट है क्या बेटा, यूनिट बोल सकते हो, बाकी इसकी क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सभी जानते हैं। इसके अलावा और कुछ जानते हो इसके बारे में, इसकी एक और यूनिट होती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होती है, वन न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर। सबको पता होगा कि एक न्यूटन कब पैदा हुआ, जब 10 की पावर 5 डायन मरी, सब जानते हैं। तो वही वाली बात, एक न्यूटन इज 10 की पावर 5 डायन। अब देखो इन सब चीजों के अंदर अपने को ज्यादा फंसना नहीं है, बता डाइन को भी अगर ऐसे लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जानते हो ना ये बात, मीटर की जगह सेंटीमीटर, केजी की जगह ग्राम और सेकंड का क्या रहता है, सेकंड। ये सब यूनिट कन्वर्जन आता है, डायमेंशन बोल सकते हो इसे क्या, एमएनटी, सबको पता है। फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए क्या, अच्छा फोर्स क्या होती है, पुश और पुल। और ये जो पुश और पुल की हम लोग जब बात करते हैं, गेट खोलना बच्चे एक बार, जब हम लोग ये पुश और पुल की बात करते हैं तो हम लोग और किस बारे में बात करते हैं, आओ गेट बंद करके आना बेटा प्लीज। जब हम लोग ये पुश और पुल की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की, विच इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। किसकी बात करते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, हम लोग रोटेशनल पढ़ चुके हो ना, आप बचपन में पढ़ा था, मतलब आप बचपन की बातें वैसे ही याद नहीं रहती, कोई बात नहीं। तो भी देखो मान लो एक एम मास का ब्लॉक है और इसके ऊपर हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या है, मान लो एफ। तो इस फोर्स की क्या क्या चीजें मैटर करती है हमारे लिए, सबसे पहली चीज जो हमारे को मैटर करेगी वो होगी इसका मैग्नीट्यूड, क्या होगी इसका, अच्छा फोर्स वेक्टर है, स्केलर है, यहां लिख दूं वेक्टर, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं वेक्टर, है ना, जिससे तुम्हें याद रहे। तो कुछ बातें इसके बारे में जो हमें पता होना चाहिए वो सारी चीजें हमने लिख ली। तो सबसे पहली चीज इसके पास में क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 50, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, ये सब क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड। साथ में क्या यूनिट होती है, मैग्नीट्यूड असली में क्या है, यूनिट प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू, सबको याद है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, सब जानते हैं इस वाली बात को पक्का, एन इंटू यू, याद होगा एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, कुछ याद आया। और फिर हम क्या बोलते थे, एन यू इक्वल्स टू
या फिर एन वन यू वन इज इक्वल टू, याद आ रहा है बेटा, अगर मैं लिखूं 1 kg या मैं लिखूं 1000 ग्राम, क्या एक ही बात है? पक्का बोल, केजी बड़ी यूनिट या ग्राम? केजी बड़ी यूनिट, और नंबर इसके साथ जो है वो छोटा है या 1000 छोटा है? 1 छोटा है, मतलब देख न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है एन, और यूनिट क्या होती है यू। क्या अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो यूनिट छोटी हो जाएगी, और अगर यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? 1 kg इज 1000 ग्राम, 1 इज स्मॉल, केजी इज बिग, 1000 इज बिग एंड ग्राम इज, तो यूनिट्स इस तरह से चेंज होती है, जानते हो ना? कोई भी यूनिट से यूनिट में कन्वर्जन करना है, सीधे क्या लगाओ, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। चलो भाई, यूनिट डायमेंशन का भी अपना क्या हो गया, रिवीजन हो गया। तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बाद में क्या आता है बच्चों, इसका एक डायरेक्शन, क्या आता है? डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अगर सोचो, कोई 10 इधर से लगा रहे, कोई 10 उधर से लगा रहे, तो नेट क्या हो गया? 0 हो गया। पर सोचो, गब्बर ने जब ऐसे बांधा था और वो मान लो एक ट्रैक्टर इधर से खिंचवाता और एक ट्रैक्टर इधर से खिंचवाता, तो हाथ अलग होता है, वहीं रह जाते, तो फिर नेट फोर्स 0 कहां हुआ? तुम तो बोल रहे हो ना, बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो गया, 10 इधर लगाया, नेट फोर्स क्या हो गया? 0। अब एक ने हाथ उधर से खींचा, एक ने हाथ उधर से खींचा, क्या वो ऐसे खुशी से खड़ा रहेगा या हाथ अलग हो जाएंगे? क्यों सोच, इट्स अ क्वेश्चन टू थिंक, है ना, इस बारे में सोचिएगा। रजनीकांत, नहीं नहीं देखो, ऐसे ऐसे नहीं होगा, सनी देओल नहीं था ना वो, तो सनी देओल होता तो क्या करता? बाहुबली होता, सनी देओल होता तो अपना काम चल जाता, मुझे बांध ही नहीं पाता ऐसे। वो तो एक कंडीशन है ना। अब सुनो, मैग्नीट्यूड अपने लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, और जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, कुआ क्या इंपॉर्टेंट है? अपने को नाश्ते में नहीं मिले तो दिक्कत आती है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या चीज है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। मान लो सुनो, ये क्योंकि अपन लोग पढ़ चुके थोड़ा बहुत रोटेशनल, और क्योंकि आप लोगों को हल्का फुल्का टॉपलिंग का आइडिया होगा, तो आप टॉपलिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि देखो ये बॉटल रखी है, बॉटल पे यहां से फोर्स लगाया, नहीं पलटी, आगे चली, ऊपर से लगाया, तो दिस इज टॉपलिंग, दिस इज वॉट। अब नॉर्मल क्या करता है, इसके लिए आप लोग आपको आगे पीछे शिफ्ट करता है, पर अपन ये सब चीजें अभी कंसिडर, अभी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की चर्चा कहां पर होती है? रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल में भी कहां पे पढ़ेंगे? टॉपलिंग ऑपलिंग के टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है? जब हम लोग कतार पढ़ते हैं ना, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल, याद है कुछ रोलिंग, तो उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसलेट भी करता है टायर और रोल भी करता है, तो व्हेन वी स्टडी अबाउट कतार एट दैट टाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, है ना? तो पोए की बातें कहां पे? कतार में। अभी अपने को इस पे चर्चा नहीं करनी, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मतलब है। चलो बताओ, फोर्सेस का इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? नेट फोर्सेस 0, ये सब बातें सब जानते हैं। फोर्सेस का इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्सेस ऑलवेज 0, या ऐसा बोल दूं पार्टिकल एट रेस्ट। क्या फोर्स इक्विलिब्रियम मींस पार्टिकल इज एट रेस्ट? पक्का? क्या इट माइट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी? वी इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या यही होता है कि नेट फोर्स इज 0? ये सब बातें पढ़ चुके हो, याद भी है, बहुत अच्छा, इतना नोट करो और मैं लिख पा रहा हूं। देखो हम लोग है ना, जिन फोर्सेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, दे विल बी व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ फोर्सेस, जैसे कि नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, ये तीन तरह की फोर्सेस अपने को पढ़नी होती है। बाकी तो एक्सटर्नल होती है कि अपन ने हाथ से फोर्स लगा दिया, रस्सी बांध के फोर्स लगा दी, तो उसमें टेंशन आ जाएगी, बॉडी रखी हुई है तो उसमें क्या आ जाएगी? नॉर्मल आ जाएगी, जानते हो ना नॉर्मल के बारे में। और हमेशा एक फोर्स जो किसी भी बॉडी पर लगेगी उसका नाम क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी बॉडी का वेट। बॉडी का वेट क्या होता है? एमजी। वेट क्या होता है बच्चों? वो हमेशा लग रही होगी। तो देखो न्यूटन ने शुरुआत जब की ना फोर्स की, तो उसने तीन लॉज दिए। कितने लॉज दिए? तो अगर अपन न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करें, तो कोई उसका स्टेटमेंट बोल सकता है क्या? कैन एनीवन टेल मी द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ? हाथ ऊपर करें बस, और नहीं, हाथ ऊपर करें। हाँ, अरे शांत सब लोग, सबको नहीं बोलना, फिर बोल रहा हूँ, चुप हो गए। हाँ, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन ऑन द स्टेट ऑफ रेस्ट, व्हेन इट बिगिंस इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इट इज कंपेयर्ड टू
अनलेस इट इज कंपेल्ड गलत। हाँ आप कुछ बोल रहे थे यार, बातें नहीं करनी है, शांत रहे जी यार। हाँ हिंदी भी चले यार, एक मिनट मैं सुनते हूँ जो बोल रही हूँ। हाँ यही बोलना था, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, और यदि नियत वेग से चल रही है तो नियत वेग से चलेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। ऐसा ये गलत है। A body tends to be in a state of rest or in a state of motion until unless an external force acts on it. ये बोल रहे थे क्या? तो ये गलत है। देखो सुन लो ना, अरे ठीक है ना, गलत है तो यार सुन लो, उसमें क्या गलत नहीं पढ़ा है, सही पढ़ा है। तुम्हें कुछ याद नहीं है। ये देखो ये मोबाइल दिख रहा है। Why so serious? जोकर वाला। अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। देखो ये अपना मोबाइल है, मेरे हाथ पे रखा हुआ है, अभी एक्सेलरेटेड है, रेस्ट पे फोर्स लगा दी, हुआ क्या एक्सेलरेट? वहां पे फर्क पड़ा। एक्सेलरेट हुआ, इसने अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट चेंज की क्या, तो फिर एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाइड है ना बॉडी पर। तो न्यूटन ने गलत बोला क्या आपने? सुनो मेरी बात, हिंदी वाले लोगों को बता दूं, न्यूटन ने बात की थी कुल बल के बारे में, और इंग्लिश वालों को बता दूं, न्यूटन ने बात की थी नेट फोर्स के बारे में। He always had a talk about net force acting on a body. किसकी बात की थी उसने? नेट फोर्स। तो आप अगर ये बोल रहे हैं ना until and unless an external force acts on a body, तो ये गलत। Until and unless an external net force या external unbalanced force acts on a body. This will be the perfect definition. समझ पा रहे हो? मैंने क्या बोला? 10 न्यूटन इधर से लगाओ, 10 न्यूटन इधर से लगाओ, नेट क्या हो गया? पक्का 20 ऐसे लगा दो जमीन पे, मैं खड़ा हुआ, मैंने लगाना फोर्स चालू किया धरती माता पे, धरती माता हिल गई क्या? स्टेट ऑफ रेस्ट ही है ना। ये बॉटल है, मैंने इस पे फोर्स लगाया हाथ से नीचे, अरे यार शान, इसमें क्या बाहुबल, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, जहां जरूरत आएगी तब बोलना है ना, सुन मैं बताऊंगा वहां बोलना। चलो इसमें मैंने नीचे फोर्स लगाया, बॉटल अपनी स्टेट में, कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो फोर्स लगाने पर भी नहीं हो रहा ना, क्योंकि उस पर नेट फोर्स अभी भी क्या है? आपने ऐसे कोई पॉइंट थोड़ी ना बताया या डायरेक्शन बताई क्या फोर्स की? जब आपने फर्स्ट लॉ बोला, आपने तो क्या बोला, कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी, या कोई बॉडी अगर रेस्ट में नहीं है और मूविंग है तो वो हमेशा मूविंग रहेगी जब तक उस पर कोई भी आउटर फोर्स अप्लाई, ये कर दिया आउटर फोर्स। आपने ये बोला ऊपर से लगाओ, साइड से लगाओ, नीचे से लगाओ, ऐसा कुछ तो नहीं बोला ना। फोर्स लगाई, बॉडी अभी भी किसमें? रेस्ट में ही है। किसमें बेटा? तो आपको कैसी फोर्स चाहिए, नेट फोर्स चाहिए या सिर्फ फोर्स चाहिए? नेट फोर्स। सो अंटिल एंड अनलेस द बॉडी इज कंपेल्ड बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स या फिर नेट अनबैलेंस फोर्स, समझ पा रहे हो? मतलब कि एफ नेट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, समझ पा रहे हो? अपन अपनी तरफ से भी फ्रेम कर सकते हैं नया, कैसे? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, समझ पा रहे हो? तो अपन तो अपना जो पुराना लॉ है ना वही लिखा है। लिखिए, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट in a state of motion or in a state of motion until and unless an unbalanced force an external unbalanced force acts on the body समझ में आ गई बात? नेट फोर्स किसकी बात होती है?
नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर चेंजिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द नेट फोर्स. यही अगर नेट जीरो तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम पक्का. एंड इक्विलिब्रियम मीन्स रेस्ट, ऐसा तो नहीं है. हाँ तो नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे, इसके बाद एक स्टार बनाकर ये लाइन लिखी ना बेटा, एक स्टार बनाया और लिखा है. इफ एफ नेट इक्वल्स टू जीरो, इस पे वेक्टर साइन लगा लेना है. इफ एफ नेट इक्वल्स टू जीरो देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. Then we can say that the body is in equilibrium. Then we can say that the body is in equilibrium. ठीक है, body किसमें चली गई बेटा, equilibrium में चली गई, तब अपन लोग बोलेंगे. और इसी के अंदर एक और लाइन का ऐड करेंगे, equilibrium does not mean लिख ले कुछ क्या हो जाएगा. नहीं लिख लिया अगर ऐसे स्टाइल मत मार, रह जाता है बेटा, जीवन में बहुत कुछ लिखा हुआ आ जाता है ना. क्या बोल रहा था मैं, इक्विलिब्रियम डज नॉट मीन दैट द बॉडी इज एट रेस्ट फुल स्टॉप. इट मे बी मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. इट मे बी मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट velocity. It may be moving with a constant velocity. ठीक है, v equals to क्या माना हमने, constant, या फिर क्या rest भी हो सकता है, rest भी possible है और v equals to constant भी possible है, तो it may be at rest. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसके ऊपर, इसके फोर्सेस की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं FBD की, किसी याद करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त वस्तु चित्र. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम, तो व्हाट काइंड ऑफ अ डायग्राम इज दिस, a diagram on which all the forces acting on an object is drawn. ठीक है, तो लिख लो, a diagram on which all types of forces, a diagram on which all types of forces are drawn with proper directions. A diagram on which all types of forces are drawn with proper directions. Full stop. Here we will take all the forces acting on the center of mass of the given object. Here we will take all the forces acting on the center of mass of the given object. और जैसा हम सभी लोग जानते हैं, center of mass is that position जहां पर पूरी की पूरी body का mass क्या माना जाता है, concentrated है, याद है ना. तो अगर मान लो m mass का block है, कितने mass का block है, m mass का block हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया. कोई force मान लो यहाँ से लगा रहा है F1, कोई यहाँ से लगा रहा है F2, कोई ऊपर से लगा रहा है F3, और मान लो कोई नीचे से भी लगा रहा था, मान लो कितनी F4. तो हमें तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, जितनी भी फोर्सेज है वो सबको क्या मान ले रहा है, एक पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस. वो जनरली हमेशा कहां लाया करेगा, इसके सेंटर पे, क्योंकि अभी सेंटर ऑफ मास नहीं पड़ा इसकी है. तो हम लोग क्या कर देंगे, जल्दी से एक डॉट लगाएंगे और डॉट से सारी फोर्स बना देंगे, जो जो जिस डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में. क्या बेटा F1 इधर है, क्या F2 इधर है, ये सब वेक्टर है, स्केलर है, वेक्टर या स्केलर. ऊपर क्या लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है, क्या हो गया, लौट गए बेटा इसी में,
है ना। एक चीज बता दूं मैं, कई लोग है ना एफबीडी जो है ना वो गलत बनाना सीख लेते हैं बचपन से। वो क्या करते हैं, एरो को पॉइंट पे बना देता है, तो दो तीन एरो मिल जाता है ना तो उन्हें पता ही नहीं लगता कौन सा एरो किसका है। एरो हमेशा आउटवर्ड बनाया करो, फायदे में रहोगे। F1 इधर है तो इसी तरफ बना लो। यार वेक्टर की सबसे सुंदर बात क्या है, वेक्टर की सबसे सुंदर बात क्या है, इट कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, इट कैन बी अपने ही प्लेन में हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट करा सकते हैं। तो तेरे को यहां दे रखा है, इसको उठा के यहां रख दे, यहां दे रखा है यहां रख दे, यहां दे रखा है यहां रख दे, अपने ही प्लेन में क्या करो उसे पैरेलल शिफ्ट करा दो। मैंने ऐसे बनाया कोई वेक्टर तो जरूरी है यही बनाऊ, मेरी इच्छा है तो यहां बनाऊंगा। मान लो ऐसे फोर्स लग रही थी ये F5, तो F5 यहां बनेगी, ऐसे मत बनाना उसको, समझ पा रहे हो ना। ऐसे बनाओगे कंफ्यूज आ जाओगे और बुरी तरह से, इसीलिए ध्यान रहे हमेशा आउटवर्ड एरोस से बताया करो, इनवर्ड एरोस से, समझ गया मेरी बात, आउटवर्ड एरोस विल हेल्प यू। अच्छा इसका MG हमेशा कहां लगेगा, पक्का नीचे नीचे मतलब यहां वो नीचे लग रहा है, असलियत में MG हमेशा नीचे नहीं लगता, ऊपर लगता है वो, देखो या अच्छा हाँ याद आया तेरे को MG कहाँ लगेगा, मेरे को याद आ गया MG वाली बात, तो तेरी शक्ल देखते ही याद है तेरे को MG वाली बात, किसी को याद होगी शायद, है ना। अरे देखो जैसे ये होता है ना, ये अगर अर्थ है तो अर्थ का सेंटर यहाँ होगा, तो असलियत में जो MG है ना इट ऑलवेज लाइक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलता है। क्या बोलता है, तुमने इलेक्ट्रो में भी पढ़ लिया होगा सेंट्रल फोर्स, चार्ज चालू हो गया ना, अच्छा होगा शुरू, एक दो प्रॉपर्टी बताई होंगी। तो मैं ऐसे ही जनरली बात कर रहे हैं अपन लोग, तो जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बेटा, ये हमेशा किधर लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऐसे ही जो चार्जेस होते हैं ना उनकी भी जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उसी के अलॉन्ग हमेशा लगती है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको भी सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। बताया होगा बिल्कुल, मेरे को पता, वो तुम्ही लोगों को याद नहीं रहता, वो तो सब जानते ही हैं, क्यों वही रौनक है ना। अब ऐसे ही MG का केस है ना, तो ये हमेशा कहां लगता है, अलॉन्ग द सेंटर, मतलब अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट। तो अब मान ले ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो क्या बेटा ठीक नीचे लग गया। अब ये ऑब्जेक्ट अगर यहां हो गया तो MG इधर लग गया, कहां लगेगा, ऐसे लग गया ना बेटा, यहां इसके अलावा ये मास यहां ले गया, बोल क्या यहां लगेगा, नहीं ना, कहां लगेगा, क्या ये सेंटर के अलावा, समझ पा रहे हैं सब लोग, ये क्या है गलत, ये भी क्या है, पर इस केस में ये क्या है पक्का, ऐसे लगता है MG, तो बस वो पता होना चाहिए। अभी मान ले यही ऑब्जेक्ट जो है, मान ले अर्थ का ये वाले कर्वेचर के ऊपर रख देते हैं यहाँ, अब बता कहाँ लगेगा, लो भाई ऊपर वाला केस, MG ऊपर लगेगा, है ना, समझ गए। ये वो केस है जिसमें MG कहाँ लग रहा है, अरे अर्थ में कितने हेमिस्फीयर है, दो है ना, तो ऐसा थोड़ी है जो लोग नीचे रहते हैं अपने से वो हमेशा झूले ही रहते हैं, वो भी अर्थ पे ही टिके हुए हैं भाई, उनके पैर उल्टे थोड़ी है, हाथ से थोड़ी चलते हैं वो, तुम्हें ऐसा लगता है क्या। हाँ देखो ऐसा कुछ नहीं है कि अर्थ ऐसा है तो लोग ऐसे टेढ़े होते जाते हैं, तो फिर अपने को तो यूं होना चाहिए था परमानेंट सुपरमैन पोज, ऐसा नहीं होता है ना तुम लोग यार। एंड डाल लो बेटा नॉर्मल, सबसे पहले हम जो फोर्स पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अच्छा जैसा नाम बताता है इट इज अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है, एंड इट विल बी प्रेजेंट व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट, इट विल बी प्रेजेंट व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट। अब ये स्टेटमेंट क्या गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में है दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर नॉर्मल टू बी देयर, बट नॉर्मल विल बी देयर व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट, ये गलत है। अब पहले तो अपने को ये समझ रहे हैं नॉर्मल होती क्या, नॉर्मल क्या होती है, मैं यहां पे खड़ा हुआ
तो मैं क्या कर रहा हूँ, जमीन को दबा रहा हूँ अपने पैरों से, ठीक है। मेरे जूते हैं वो क्या कर रहे हैं, जमीन को दबा रहा है, और जमीन मेरे को उतनी ही फोर्स से क्या कर रही है, ऊपर धक्का मार रही है। मैंने जमीन को जिस फोर्स से दबाया, दैट फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द जमीन की सरफेस। बोलो लग रही है कि नहीं, ठीक नीचे लग रही है और जमीन की सरफेस ऐसी है, और वही वाली फोर्स जमीन किस पे लगा रही है, मुझ पे लगा रही है, पलट के इक्वल और अपोजिट, ठीक है। ये वाली जो नॉर्मल मुझ पे लग रही है, मैं इसी नॉर्मल की बात कर रहा हूं, और हमेशा क्या बोलता हूं, इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, इज ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। जैसा भी हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस होगा उससे हमेशा कैसे लगेगी, परपेंडिकुलर। अगर कॉन्टेक्ट ऐसे तो क्या परपेंडिकुलर, क्या यहां से ही हूं, मेरे हाथ पे, किस पे, और जो बोर्ड पे लगी वो अंदर, सबको पता है। अच्छा कॉन्टेक्ट अगर ऐसा हो गया तो क्या तो भी वेरी परपेंडिकुलर। इन वाले केसेस को अभी अपन डिस्कस करेंगे कैसे और क्या, ठीक है। तो किधर नॉर्मल फोर्स को लगना चाहिए, किधर नहीं लगना चाहिए, और कब होगी कॉन्टेक्ट पर भी और कब कॉन्टेक्ट पर भी नहीं होगी, ये केसेस अपने को समझना होता है। एम आई क्लियर विद दिस? तो सबसे पहले नॉर्मल क्या है वो वाली चीज लिखना है। लिखो है ना, बॉडी प्रेसेस अगेंस्ट, है ना, बॉडी प्रेसेस अगेंस्ट अ सरफेस, है ना, बॉडी प्रेसेस अगेंस्ट अ सरफेस, द सरफेस डिफॉर्म्स एंड पुशेस बैक ऑन द बॉडी। सरफेस डिफॉर्म्स, डिफॉर्म्स, DEFORMS, डिफॉर्म। सरफेस में डिफॉर्मिटी आती है, उसका शेप बदल जाता है, ठीक है। तकिया देखा है, तकिया पे सर रखते हो तो दबता है या और मोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है ना सर, साइड में से जहां सर रखते हैं वहां से मोटा हो, है ना, स्पेशल तकिया है ना तुम्हारे, सर रखो तो हवा आ जाती है उनमें, है ना, तकिया नहीं है पता नहीं क्या है साला। चल हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था देखो, हाँ अब बॉडी क्या बोला था ना, एंड पुशेस ऑन द, पुशेस बैक ऑन द बॉडी विद अ नॉर्मल फोर्स, विद अ नॉर्मल फोर्स विच इज, विद अ नॉर्मल फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, लिखना, विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। नेक्स्ट लाइन में लिखें, फॉर नॉर्मल फोर्स फर्स्ट पॉइंट, टच इज नेसेसरी, क्या जरूरी है, टच, फॉर नॉर्मल फोर्स टच इज नेसेसरी। नेक्स्ट, इट एक्ट्स इन सच अ मैनर दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस अ बॉडी, दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस अ बॉडी, इट एक्ट्स इन सच अ मैनर दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस अ बॉडी, ठीक है, लिखा सबने। चलो अब देखो, मैं अगर तुमसे बोलूं तो जो भी हमने लिखा उसके अंदर एक चीज तो क्लियर है कि नॉर्मल तब आएगी जब दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में, नेसेसरी कंडीशन यही है, और दूसरी कंडीशन ये हो गई कि एक दूसरी बॉडी, मतलब दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे को प्रेस भी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, अब यहां को प्रेस ही नहीं कर रही है एक दूसरे को तो नॉर्मल आएगी क्या, पर ऐसी कंडीशन जो है वो बहुत रेयर है, वो अपन लोग करेंगे क्वेश्चन तब तुम लोगों को पता लगेगा, ठीक है। तो हम जो रेयर कंडीशन है जब उस पर सवाल कर लेंगे ना, तो तुम लोग पहले तो नॉर्मल निकाल निकाल के दोगे उसका आंसर, है ना, फिर तुम बोलोगे नहीं है यार, तो ऐसे ही सीखेंगे अपन उसको। तो एक नॉर्मल की जब मैं बात करता हूँ, मान लो इस तरह से क्या है, एक दीवार है, ये हमारी दीवार, और यहाँ पर एक स्टिक टिकी हुई है, ऐसे मान लो सीढ़ी टिकी हुई है, सीढ़ी के दो एंड, एक ये वाला और एक नॉर्मल की डायरेक्शन,
इस एंड पे बताओ किस तरफ लग रही है, कैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट, मान लीजिए इसका नाम एन वन, बोल यहाँ पे क्या बेटा ये डायरेक्शन, सबको समझ आता है। अब इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया, और चेंज क्या किया सुनना, ज्यादा भारी चेंज नहीं है, यहां बोल नॉर्मल पक्का, यहां बोल यहां से ऐसे पक्का, ये डायरेक्शन एंड सबको नजर आया, क्या कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, ऐसे मुड़के थोड़ी ना जा रहे, उधर जा रहे क्या, और अगर मान ले इसे टच में ऐसे मुड़के भी जा रहा होता तो ये इस वाले पॉइंट पर भी तो टर्न ले रहा होता। हम लोगों को हमेशा एक पॉइंट मानना है कॉन्टैक्ट में, पूरी सरफेस कॉन्टैक्ट में नहीं मानना, ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि एरिया के ऊपर डिपेंडेंसी आ गई नॉर्मल की, जैसे अपन लोग ऐसे नहीं कि भाई जूता तो इतना बड़ा है, या मान लो आदमी इतना बड़ा है, अपन लोग ब्लॉक की बात करते हैं, ब्लॉक क्या होता है, क्यूब, ब्लॉक क्या होता है आपका, ये जो अपन स्क्वायर स्क्वायर बना के खेलते हैं, ये क्या है, 2D है 3D है, ये 3D है भाई, क्यूब है पूरा का पूरा, तो अगर क्यूब को अपन ऐसे रखते हैं किसी चीज पे तो उसका पूरा का पूरा एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, सोचो इमेजिन करो, अपन लोग तो एक पॉइंट मान के चल लेते हैं कि ले भाई एक पॉइंट पे ले लो सबको और बना दो, तो ये रियलिस्टिक चीज है क्या, वी आर नॉट वेरी रियलिस्टिक स्टफ दैट वी आर स्टडी, पर हाँ एक चीज इसके अंदर होती है कि अपने को जो भी चीज दे रखी है, 5 किलो की हो, 50 किलो की हो, या 5000 किलो की हो, या 5 लाख किलो की हो, सबको क्या मानना है, एक सिंगल पॉइंट पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है और सारी फोर्सेज उसी पॉइंट से पास करेंगी, हमेशा याद रखना, क्लियर हो गई मेरी बात, कभी एरिया के फेर के अंदर नहीं फंसना, ना ही NLM के अंदर और ना ही जब फ्रिक्शन पड़ेंगे तब। AIEEE ने सवाल पूछा था, मतलब मेंस के अंदर सवाल पूछा था एक बार कि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से फ्रिक्शन क्या है, इज इट फ्री ऑफ इट और नॉट, तो अपन क्या कंसिडर करके चलते हैं, इट इज फ्री ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, तो इसीलिए उसमें आंसर देना था, समझ गया मेरी बात, ठीक है, ये वाले डायग्राम बना लिए, जल्दी से बना लो और आगे बढ़ जाते, ऑलवेज एक्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। जी की वैल्यू जो है ना, हम लोग 10 लेके चलेंगे हमेशा, ठीक है, 9.8 वाला फंडा नहीं रखेंगे, जी की वैल्यू विल बी 10 ऑलवेज। चलो आओ, नॉर्मल बोलो, दिख गया सबको क्या कि आप लोगों ने FVD बनाया होगा, नीचे क्या लगा MG और ऊपर क्या लगी नॉर्मल, आर देर एनी अदर फोर्सेस, देर आर नो अदर फोर्सेस, हमने सीधे क्या बोला N = 50, वाई डायरेक्शन की फोर्सेस को क्या कर दिया बेटा, बैलेंस कर दिया, N = 50 न्यूटन, क्या N से N काट दूं, यस सर, पक्का है ना, N फॉर नॉर्मल, N फॉर न्यूटन, तो नॉर्मल का N और न्यूटन का N कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे न्यूटन, यस और बोल रहा है ना, बढ़िया बेटा, नई नई चीजें दुनिया में आते हुए, इधर मैथ्स आसान आई थी ना, है ना, मैथ्स ने बहुत जान बचाई इस बार लोगों की, कई लोग सोच रहे हैं अच्छा सर आसान थी, हाँ आसान नहीं थी इस बार मैथ्स, JEE एडवांस में बोल रहा हूँ, है ना, फाइंड द नॉर्मल एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स एंड ऑन इंडिविजुअल ब्लॉक्स, बीस सारी बताओ ना, दो नॉर्मल आएंगी ना बेटा, दो जगह कॉन्टेक्ट है, यहां भी है ना,
बताओ क्या क्या आएगी? 20 और 70, 30 और 70, 30 तो नहीं बोल रहा ना कोई, 30 और 70 ना, 30 30, अच्छा 20, सब 20 के साथ, कोई 30 के साथ है क्या? चलो एफबीडी बनाना सिखाता हूँ मैं, आओ देखो। लोग एफबीडी बनाना भूल गए, पहले 2kg का बनाओ, 2kg का जब मैं बनाऊंगा सुन लो, यहाँ बना रहा हूँ 2kg का एफबीडी, ध्यान से देखो नीचे क्या लगेगा बेटा सबका एमजी यानी 20, ऊपर क्या लगेगा वो वाली नॉर्मल जो 5 ने 2 पे लगाई है, कौन सी नॉर्मल जो 5kg ने 2kg पर लगाई उसको नाम दे दो N1, क्या नाम दे दिया? तो बोलो और कोई फोर्सेस 2 पे, मतलब N1 की वैल्यू 20 न्यूटन, अपना काम हो गया, बोलो सही है। चलो इसी तरह से 5kg का बनाते हैं, आओ 5kg पे एक फोर्स जो हमेशा लगेगी वो वाली फोर्स है क्या नीचे को 50 न्यूटन, ऊपर जो ग्राउंड से ऐसे नॉर्मल मिला वो मान लिया अपन ने N2, एनी अदर फोर्स, तो N2 का 50, कौन सी फोर्स? क्या मैंने बताया था कि जितना बॉडी हमारे पे लगाती है उतना ही हम भी उस बॉडी पे लगाता है? क्या 5 ने 2 पे N1 लगाया था, मतलब क्या 2 ने 5 पे पलट के N1 लगाया होगा? क्या उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस रहती है? क्या ये कॉन्टेक्ट सरफेस है तो नीचे मतलब N1 की डायरेक्शन क्या ये है और N1 की वैल्यू क्या है? क्या बेटा 20 न्यूटन, तो N2 बोलो 20 प्लस 50, मतलब कि 70 न्यूटन, बोलो आया कि नहीं? पक्का आया, हो गया। अब इसके अंदर लोड कब लोड जाता है? जब 2 की जगह 3 ब्लॉक आ जाता है, हमारा काम है लोटना। हेलो भाई, बताओ ये ब्लॉक्स के मासेज कौन सी सीरीज में है? एपी में है, दिख गया 2 4 6। अरे अरे ऐसे नहीं, मतलब 2 4 6 नहीं समझे, गलत बोल गया, 4 4 4 4 का क्या था ना, एपी में कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। अरे वाह, चलो N1 यहाँ पे, N2 यहाँ पे, N3 यहाँ पे, आंसर निकालो 20 80 180, सबका आ गया पक्का? ये मैं FBD बनाऊँ एक एक का? नहीं नहीं, तो भी पहली बार के लिए बना देते हैं, कई लोगों को 30 आ रहा था उसका भी आंसर। 2kg का FBD बनाया, ऊपर क्या लगी बेटा? N1, किसके कारण थी N1 बोलो? 6kg के कारण, एक बार है ना बोलते रहना साथ साथ जिससे सबको याद रहे। N1 किसके कारण है? 6 के कारण। नीचे क्या लगा उसका MG यानी 20, मतलब N1 comes out to be 20 न्यूटन, एनी प्रॉब्लम? अब बनाते हैं 6kg का, 6kg का ऊपर नीचे दोनों तरफ से कॉन्टेक्ट है, अगर दोनों तरफ से कॉन्टेक्ट है तो नीचे इसका हमेशा 60 तो लगेगा ही, ऊपर किसकी वजह से लगेगी फोर्स? 10 की वजह से, उसको नाम दिया N2, एनी अदर फोर्स, कौन सी? जो 2kg के कारण नीचे लगी वो वैल्यू क्या थी बेटा? N1, और उसकी वैल्यू क्या आई थी? मतलब N2 विल बी इक्वल टू 80 न्यूटन, बोलो एनी प्रॉब्लम? अब क्या बनाना है हमें? 10kg का FBD बनाना है, तो आओ देखें 10kg का कैसा बन रहा है, जल्दी से बता दो, नीचे बोलो क्या 100 तो वैसे ही है, ऊपर क्या लग रहा है? ग्राउंड के कारण नॉर्मल, उसको क्या बोला मैंने? N3, और कोई फोर्स? क्या 6 से कॉन्टेक्ट के कारण N2? 6 से कॉन्टेक्ट के कारण नीचे लगा N2, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या थी? 80 न्यूटन, मतलब की N3 की वैल्यू बोल दो 180 न्यूटन। क्या ये सब चीजें मैं ओरली सॉल्व कर सकता हूँ? पक्का? नीचे आते आते सारे ब्लॉक्स के मास जोड़ते जाओ और उसको किससे मल्टीप्लाई करते जाओ। जी सर, हाँ तो N1 प्लस N2 बोलते ना इसको, इसको क्या बोलते हैं? N1 प्लस N2 बोलते, पर फिर इसके अंदर N1 मत जोड़, नहीं नहीं इसके अंदर फिर N1 मत जोड़ के दे, फिर N2 60 को बोल, तूने N2 में ले लिया ना N1 N2 अकाउंट। अरे शांत एक मत, हाँ हाँ हाँ,
कॉन्टेक्ट में किससे है वो, छह से या दो से? तो छह का ही लगेगा, दो का क्यों लगेगा? तो छह पे लगी ना दो के कारण। छह वाला किस किस से कॉन्टेक्ट में है? दस से और दो से, तो छह पे दोनों के कारण लग गई। अब दस वाला तो सिर्फ छह और ग्राउंड से ही है ना, इसमें दो का फर्क क्यों आएगा? और जो दो का फर्क आना था वो छह के ऊपर आ गया, वो इसके अकाउंट में है ऑलरेडी, डरो मत। ये क्लियर है ना सबको? छाप लो सब, छापा, ये तो छापने की जरूरत है क्या? नहीं तो भी छाप। ऐसे फंसा हुआ है, एक बॉल है और ऐसे गड्ढे में गिर गई, गड्ढे का शेप ऐसा था, उसमें फंसी है, तो नॉर्मल लगेगी ना यहाँ से और यहाँ से, सरफेस एकदम सेम है ना, सिमेट्रिकली फंसा हुआ है एकदम। उन एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल इन दिस केस। 20 किलो की बॉल है, फंस गई, बॉला है, गोला है, एक ही तरह से गोला मानिए स्फीयर, इट्स अ स्फीयर ऑफ 20 kg विच इज स्टक, फंसा हुआ गोला। आप नेट फोर्सेस कैलकुलेट करते हो, एक तरफ से नहीं करते, इसके ऊपर नॉर्मल यहां से भी है और यहां से भी है, इट इज फ्रॉम बोथ द साइड, एक तरफ से कैसे कैलकुलेट कर ली बता? यहां से ना नॉर्मल लगेगी, क्या इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, मतलब इट विल पास थ्रू द सेंटर, इट विल पास थ्रू द सेंटर, मतलब कुछ इस तरह से ये होगी नॉर्मल। ऐसे यहां से जो लगेगी क्या वो भी सेंटर से निकलेगी? इट विल ऑल्सो पास थ्रू द सेंटर लाइक दिस। ये भी एन है और ये भी क्या बेटा एन। अब इसको मैं अलग से यहां पे बना लेता हूं, देख लो, अगर मैं इसको बनाऊं तो फोर्सेस बना रहा हूं, देखो या इसी में कर लो ना यार, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, अरे बातें नहीं, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा करो हमेशा। आप बताइए ये 60 है पूरा, तो ये कितना रह गया? 30 रह गया, ये 30 तो बोलो ये कितना था, ये 60 तो बोलो ये कितना पक्का? अच्छा ये अगर 30 है तो ये भी कितना, तो बोलो ये भी कितना, सबको दिखा, एन साइन 30 और एन साइन 30, तो यहां पर जो फोर्स लगी आपकी वो क्या लगी? 2n sin 30, ये कंपोनेंट करना तो आता है ना, ये वाला n cos 30 और ये भी कितना n cos 30, क्या ये दोनों कैंसिल? कौन सा बचा? 2n sin 30, बोलना जरा सेंटर में क्या लग रहा है? mg, यानी कितना? दिस 2n sin 30 इज व्हाट? 200। बॉल किसमें है? अपनी इक्विलिब्रियम में, देखो सही कर रहा हूं, साइन 30 इज हाफ, तो एन कितना आ गया वापस? 200 न्यूटन। आया नहीं तुम लोगों को? पक्का है? देखो मेरे को पता था आंसर गलत निकलेगा कई लोगों का, है ना। FBD बनाना प्लीज सीखे, नेसेसरी है फोर्स कंपोनेंट वगैरह करना सीखना। मुझे, मैंने सोचा था वेज वाला सवाल नहीं करूंगा, पर वो भी बताना पड़ेगा तुमको, अब ऐसा लग रहा है तुम्हें वेज में भी कंपोनेंट करने नहीं आ रहे होंगे। मुझे तो अल्टीमेट शर्म आ रही है, पर कोई बात होता है ना, ये होता है ना। हाँ तुम्हें तो क्या आती है, कोई बात नहीं।
करेगा नॉर्मल एक्टिंग ऑन द 10 kg ब्लॉक डायग्राम बनाना सब कंपोनेंट करके एफवीडी का 50 न्यूटन डायग्राम बनाया तूने 50 रूट थ्री 50 रूट थ्री मतलब लोगों को कॉस 30 की वैल्यू भी ढंग से नहीं पता तो भी 50 दे दिया आंसर मतलब है ना रूट थ्री तो क्या होता है ऐसे ही अपने हिसाब से लगा लो रूट थ्री या तो क्या है ना हाँ वैल्यू ही क्या होती है ना इतना है 10 रूट थ्री अच्छा 50 रूट थ्री ओके सबका आ गया यार ये कंपोनेंट मैं करके दिखाऊं नहीं नहीं तो भी करूंगा मैं आओ नीचे क्या लगा बेटा mg एक कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर और एक हमेशा इसके पैरेलल क्या सब लोग जानते हैं दो कंपोनेंट हमेशा क्या करोगे सुन लो भाई बात एक कंपोनेंट हमेशा करोगे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा हो जिस डायरेक्शन में क्या हो अगर ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा तो कहां क्या इसके अलॉन्ग ही जाएगा तो हमेशा एक कंपोनेंट करोगे जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा हो एक्सेलरेशन और दूसरा करोगे उसके परपेंडिकुलर अब ये नहीं परपेंडिकुलर यहां कर दिया नेट फोर्स क्या है ना 10 दिस 100 शुड कम इन बिटवीन व्हाट बोथ द कंपोनेंट्स वेक्टर के कंपोनेंट आते हैं पता नहीं यार डर लग रहा है तुम्हें बढ़ाते हैं वेक्टर कंपोनेंट करने आते हैं अच्छा होता ये 30 तो ये भी 30 ये कितना देखो मैं बता दूं याद करने वैसे तो ये रह जाता है ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं ये 30 है 90 तो ये कितना ये बचा हुआ कितना ऐसे आता है ये हम तो सोचते थे याद करना होगा ना कोई बात है ना 30 100 30 ये डिग्री में और ये किसमें बेटा न्यूटन में क्या डिग्री और न्यूटन जोड़ सकता हूँ पक्का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ डिवाइड कर सकता हूँ कर सकते हैं अरे मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है भाई आम और आम जोड़ सकते हो हाँ अरे 1 आम + 1 आम इज 2 आम इसमें क्या हो गया एक पाइन एप्पल और 2 पाइन एप्पल कितने पाइन एप्पल एक पाइन एप्पल और 1 एप्पल 1.5 एप्पल और 1 पाइन ऐसी बातें कर रहे हो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट इज ऑलवेज 100 sin थीटा नॉर्मल किधर है क्या नॉर्मल की डायरेक्शन ये है परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट एन किसको बैलेंस कर रहा है कॉस 30 कितना होता है बेटा 100 रूट देखो अगर एक बार ध्यान से देखोगे तो सबका आंसर आएगा आया अपनी क्लास अच्छा तुम लोग आज एच सी और मल आए हो नहीं नहीं करा नहीं ना मैं पूछ रहा हूँ लाए हो ना एक बार मेरे को देना अभी है ना मैं बताऊंगा कौन से करके लाना अभी है ठीक है उससे ये फायदा होगा कि हो सकता है अपने को एक्स्ट्रा लगानी ही ना पड़े ठीक है क्लास की बात कर रहा हूँ है ना हाँ वे ऑप्टिक्स की एचसीआर में ही तो बची है और एक एक्सरसाइज 3 बची है अच्छा आप शांत रहो एक एचसीआर में की अटेम्प्ट की क्वेश्चंस भी हो गए सारे हो गए हाँ
थोड़ा सा ही होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स बोलो फर्स्ट में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स उसमें है सेकंड पार्ट. हाँ चलो इधर देखो कल है कल है. ठीक है तो एक काम करेंगे कल वाली क्लास में पहले 20 सवाल वेव ऑप्टिक्स एचसीवी एचसीवी वेव ऑप्टिक्स फर्स्ट 20 ठीक है. हाँ आप वो भी उसी में कराऊंगा ना और मैं बता दूंगा कि उसमें एक्सरसाइज फ्री अभी कल वाली में पहले 20 वेव ऑप्टिक्स एक्स्ट्रा नहीं है मेन क्लास में. आपको एक स्फीयर दिया बेटा मास दे दिया 10 kg और रेडियस कितना दे दिया 5 meter. ध्यान से बनाना है स्फीयर सिमेट्रिकली ये सेंटर में नहीं है ये ठीक है. ये जो है ना ये जो हिंजेस दिख रहे हैं दोनों तरफ ये वाले जो ये स्टैंड बोल रहे हो इसे वो भी बोल रहे हो ये जो कॉर्नर्स है ना ये सेंटर में नहीं है नीचे है सेंटर से. इसकी लेंथ दे दी 8 meter इसका रेडियस कितना दे दिया 5 meter. आप पूरा नॉर्मल एक्टिंग ऑन दिस नॉर्मल लग गया ना यहाँ और यहाँ एकदम सेंटर में फंसा हुआ करो. अब बेटा 50/3 कितना 100/3 हाँ मतलब n निकालना है n 2n नहीं निकालना है. हाँ वैसा ही केस होगा बेटा ध्यान से करो हो जाएगा. अरे पेन चलाएगा ना तो आंसर भी सही दे पाएगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा. चला ले पेन एफबीडी बना उसमें क्या हो गया कोई बुराई थोड़ी है पेन चलाने में. तेरी इच्छा क्या 500/7 लग तो नहीं रहा 120 करो करो कितना रहे कलम चला लिया क्या ओरल. चलो बताओ क्या करना है यार एक चीज बता क्या एक नॉर्मल ये और एक नॉर्मल ये ऐसे किया होगा पक्का ऐसे ही किया. अब एक चीज बता ये वाली लेंथ कितनी है 5 meter है ये यहां से लेके यहां तक कितना है 4 meter तो ये कितना है 3-4 मतलब ये 37 ये कितना आ गया हमने खींची कौन सी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन ये 37 तो ये भी कितना तो बोलो ये भी कितना पक्का ये नॉर्मल और ये भी क्या नॉर्मल n cos 37 n cos 37 क्या कैंसिल आउट कौन सा बचा 2n sin 37 डिग्री बोल नीचे क्या लग रहा है 100 सही है ना इक्वेट कर दे 2n sin 37 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट
100 बोलो 2n sin 37 बोलो 3 by is equal to क्या आ गया n यहाँ से 500 by 6 मतलब 250 by 3 अरे ये समझ में नहीं आया क्या वीडियो सबको आया है अलग से बनाऊं क्या बना देता हूं चेक कर लो अगर ऐसा बनाया था तो आप लोगों ने सही किया होगा ऐसा किया क्या अगर ये सब किया तो सही है n cos 37 n cos 37 कैंसिल आउट 2n sin 37 किसको बैलेंस कर रहा है ये देखो है ना ये सही आना चाहिए था अब कई लोगों को पता है क्या लगता है ऐसा ही क्वेश्चन है तो इसका मास क्या है 20 आंसर क्या है n का 200 तो वो इसकी इसके अंदर क्या देता है आंसर 100 देता है ऐसा होता है यार सेम ही तो है दोनों तरफ से ऐसे लग रहा है एंगल एंगल अरे वहां देख एंगल बीच में बाइसेक्ट हो रहा है नजर नहीं आ रहा एंगल 60 का कितना रह गया 30 रह गया यहाँ अलग ही एंगल निकल के आ गया कितना 37 ये सिमेट्रिक होता तो अपना आंसर अलग होता अरे सिमेट्रिकली फंसा हुआ है क्या सिमेट्रिकल नहीं है ये कहीं कोने पर फंसा हुआ है ये सेंटर जो है इसकी स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा स्ट्रेट लाइन में आता तो ये एंगल आते क्या सोचो तो सही सोचते भी नहीं होया नहीं आते पक्का एन और एन कैंसिल हो जाते क्या है फिर तो टिक जाएगा ना वो फिर तो क्या होता है चीजें टिक जाती हैं एमजी को फिर नीचे से तो नॉर्मल है वही बैलेंस कर देते मान लो दोनों तरफ सिमेट्रिक फंस गया तो दोनों तरफ नॉर्मल है कैंसिल ही हो गया समझ गए तो ऐसे में जो नीचे का सपोर्ट है ना वो आपको बैलेंस देता है नहीं ऐसे में अपन लोग आधे आधे पोर्शन की नॉर्मल निकालते है ना एक क्वेश्चन आपने लास्ट ईयर शीट के अंदर किया हुआ चेन वाला एक याद याद दिला रहा हूं बस आप लोगों को आया था यार बीच में से तोड़ दिया था फिर आधे पोर्शन का एफवीडी बनाया था हाँ कोई बात अच्छा बोलिए समझ में आ गया नॉर्मल में कोई दिक्कत आएगी क्या है चार कैसे हो गया ऐसे सिमेट्रिक है ना आज क्या ये है बेटा रेडियस ये थोड़ी रेडियस है ये है और ये है तो ये यहां से तो बाहर निकला हुआ है ना थोड़ा सा यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक इक्वल है पर ये पोर्शन थोड़ा बाहर है तेरा सवाल एकदम जेन्युइन है मैं समझ रहा हूं तू क्या बोल रहा है पर ये ऐसा है देख ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये गुड कई लोग तो सोच रहे हैं पूछा क्या अरे वो ये बोल रहे हैं कि सर रेडियस 5 है रेडियस अरे सुनो उसका डाउट बहुत अच्छा है सुन लो उसका ये कहना है कि सर रेडियस कितना है 5 अब ये यहां से लेके यहां तक भी 5 है और आपने इसको 4 ले लिया अरे ये 4 है ना और ये यहां से यहां तक फिर 4 होना चाहिए आपने 5 क्यों ले लिया तो वो सिमेट्रिक नहीं है इसीलिए तो बोला यही रीजन था ये बताने का कि ये सिमेट्रिकली फंसा हुआ और ये जो पोर्शन है ऐसे बाहर है ये देख अभी दिख रहा है ये वाला गैप क्लियर है ना ऐसे डरा मत करो यार है ना अब
अच्छा डाउट है, पहली बार पूछा मुझसे किसी ने क्लास में, डाउट अच्छा लगा। नहीं किसी ने सही में नहीं पूछा था, पहली बार है, अच्छा लगा जान के। तो हेडिंग डालो इसी बात पे, टेंशन अभी कोई टाइम नहीं हुआ। इसमें लिखिए, टेंशन में लिखिए, व्हेनेवर अ स्ट्रिंग इज, व्हेनेवर अ स्ट्रिंग इज, नहीं नहीं टेंशन की थोड़ी लगा रहा हूं थोड़ी सी, व्हेनेवर अ स्ट्रिंग इज पुल्ड और मेड टाइट, जब भी हम रस्सी की बात करते हैं उसको खींचा जाता है या उसे टाइट कर दिया जाता है, व्हेनेवर अ स्ट्रिंग इज पुल्ड और मेड टाइट, इट पुल्स ऑन द बॉडी, कॉमा लगा के, व्हेनेवर अ स्ट्रिंग इज पुल्ड और मेड टाइट कॉमा, इट पुल्स ऑन द बॉडी, इट पुल्स ऑन द बॉडी विद अ फोर्स टी, विद अ फोर्स कैपिटल टी, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अलोंग द स्ट्रिंग, विद अ फोर्स टी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अलोंग द स्ट्रिंग, दिस फोर्स इज, फुल स्टॉप लगा के, दिस फोर्स इज टेंशन। दिस फोर्स इज टेंशन फोर्स, ठीक है, कौन सी फोर्स है ये, सर क्या मतलब हुआ सुनो, होता क्या है, अरे वो सबसे पहली बात, टेंशन जो है ना वो अपने को लेना नहीं होता, वो क्या होता है, देना होता है, इस बात का प्लीज ध्यान रखिए, टेंशन को दिमाग में नहीं रखना, टेंशन हमेशा किस में रखना है, रस्सी में, किस में रखना है, हमेशा याद रखिए। मान लो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, क्या चीज है, प्लीज यार अपनी बात सुन लो ना, ऐसे क्या कर रहे, एक मान लो स्ट्रिंग है ना, देयर इज अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू दिस ब्लॉक, देयर इज अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू दिस ब्लॉक ऑफ मास m, और इस स्ट्रिंग को मान लो अपन एफ फोर्स आए तो ऐसे खींच रहा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम रस्सी को खींचें या उसे टाइट करें, थ्योरी पढ़ो क्या लिखा है पहली लाइन में, व्हेनेवर अ स्ट्रिंग इज पुल्ड और मेड टाइट देन इट पुल्स ऑन द बॉडी विद अ फोर्स टी, विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी, विच इज डायरेक्टेड, तो असली में जो टेंशन है वो नजर किस में आएगा, रस्सी में, पर वो लग किस पे रहे, बॉडी में। ये बहुत बड़ा मतलब मिसकंसेप्शन होता है, लोग क्या करते हैं बोलते हैं रस्सी में टेंशन लग रहा है, रस्सी में टेंशन नहीं लगता, रस्सी के कारण ब्लॉक पे एक फोर्स लगती है जिसका कारण क्या है, टेंशन, वो अपन मार्क किस पे करते हैं, रस्सी पे, पर रस्सी पे थोड़ी ना फोर्स है, वो फोर्स है किसमें, असली में ब्लॉक पे, वो ब्लॉक के एफबीडी पे नजर आता है, किसके एफबीडी पे नजर आता है, ब्लॉक के एफबीडी में, देखा, इसीलिए रस्सी में उसे इक्वल और अपोजिट लगाना पड़ता है, क्योंकि वो ब्लॉक के एफबीडी में एक फोर्स दिखाता है, और वो क्यों आता है, जब हमने रस्सी को क्या किया, टाइट किया या किसी ऑब्जेक्ट को उस चीज से खींचा, तो वो फोर्स किसमें डेवलप हुआ, ब्लॉक में, ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा, बाहर की तरफ टी, ठीक है, ऐसे ही रस्सी के अंदर भी अब वाला फोर्स डेवलप हुआ जो ऑपोजिट हुआ, आप रस्सी का एफबीडी नहीं बनाते, आप किसका एफबीडी बनाते हो, क्योंकि स्ट्रिंग इज ऑलवेज टेकन टू बी मासलेस, स्ट्रिंग को हमेशा कैसे लेते हैं, अगर मासलेस स्ट्रिंग नहीं है तो गड़बड़ है, अपनी जो स्ट्रिंग जो मैंने बनाई है, इस स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, यानी टी रहेगा, कोई भी पॉइंट ले लो, क्यों, बिकॉज स्ट्रिंग इज मासलेस, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज इन एक्सटेंसिबल, यानी कि हम लोग इसको खींच, इट रिमेन्स टॉट, मतलब टाइट, एक और वर्ड है टाइट का, क्या है ये, टॉट, तो रस्सी जो है वो हमेशा कैसी रहेगी, टाइट रहेगी, जो लेंथ फिक्स कर दी उससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, मतलब इट इज एन एक्सटेंसिबल एंड इट इज वॉट मासलेस, साथ में ईच एंड एवरी पॉइंट हैज द सेम टेंशन, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज उसकी फुलफिल होती है,
समझ गए? यही अगर मैं मांस वाली रस्सी के पास चला जाऊं, कैसी रस्सी? मांस वाली रस्सी के पास, तो हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा? T1, T2, T3, एवरी पॉइंट हैज अ डिफरेंट टेंशन, ठीक है? इसमें याद रखें, ये वाली रस्सी के पास मास वेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि यहां पर मास क्या लिया गया था? इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये रस्सी थी आपके बाल के जैसी रस्सी। कैसी रस्सी थी? बाल में मास होता है क्या? करीब करीब मासलेस जैसा बोल सकते हो ना, बाल कट जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हवा में उड़ सकते हो, और जब तक बाल रहता है तब तक क्या लगता है? नहीं उड़ सकते है ना, वजन से नीचे दब रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता होगा, बोलो तुम बाहर अभी रुको, आओ कभी हवेली पे। अच्छा बच्चे हो तुम लोग, ठीक है ना, बहुत बच्चे हो सर। T1, T2, T3 कौन सी रस्सी? मास वाली। ये कौन सी रस्सी? बिना मास वाली, मासलेस, ठीक है? ये मास वाली और ये मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, रिमेन शॉर्ट, मतलब ये बेसिकली रॉड है। ये क्या है? एक रॉड है जिसमें एवरी पॉइंट विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब टाइप का डिफरेंट टेंशन, मैग्नीट्यूड की बात कर, समझ में आ रहा है? दूसरी बात, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ टेंशन हमेशा ऐसे लगता है कि वो रस्सी की लेंथ कम करना चाहता है? सोचो सोचो, क्या टेंशन हमेशा ऐसे लगता है कि वो रस्सी की लेंथ कम करना चाहता है? क्या नॉर्मल हमेशा ऐसे लगता है कि वो बॉडी को प्रेस करना चाहता है? अब बोल नॉर्म, अब बता टेंशन कैसे लगता है कि वो रस्सी की लेंथ? ऐसे सोचना इस वाली चीज को, देख अभी मिरर नहीं है, मैंने इसमें मिरर इमेज बनवाई थी क्या? इसमें बनवाई थी क्या मिरर इमेज? हाँ सर, इसकी ऐसे अड़ी हुई यहां से, क्या ये बड़ा है? और इसकी कैसे बनेगी? क्या इसमें क्या बड़ी बात है? पहले इसकी इमेज बनाओ, मेन तो यही है। शांत रहोगे, इधर ध्यान दो। हाँ, इस उम्र में ऐसा होता है ना, बता टेंशन नीचे या ऊपर? नीचे लगा, ऊपर लगा, किधर लग रहा है? ऊपर लग रहा है। ऊपर की तरफ अगर रस्सी जाएगी तो रस्सी की लेंथ कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी यार, ऐसी बातें कर रहे हैं। ये ब्लॉक अगर मान ले टेंशन नीचे लगता तो ये इसकी लेंथ को बढ़ाता, टेंशन कहाँ लग रहा है? लेंथ क्या कर रहा है? समझ पा रहे हो? वही चीज है। तो एक स्टार बना के लिख लेना अपने पास, टेंशन एक्स इन सच अ वे, टेंशन एक्स इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस द स्प्रिंग दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस द स्ट्रिंग, ठीक है? चलो बाकी बातें इस पे अपन लोग बाद में करते हैं।